हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक सॉल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हो, क्योंकि कौन फोल्डर एक नॉर्मल फोल्डर नहीं है। आप इसे सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट नहीं कर सकते। देखिए, मैं डिलीट क्लिक किया है, क्लिक नहीं हुआ, मैंने शिफ्ट प्लस डिलीट क्लिक किया, ये फिर भी डिलीट नहीं हो रहा है। अगर आपको इसे डिलीट करना है, एंड तक देखिए इस वीडियो को और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको अपने डेस्कटॉप पर CMD ओपन करना है। CMD ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर की, देन टाइप करेंगे CMD। उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर हिट करना है। उसके बाद आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है जैसे एडमिन ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पर जो लोकेशन आ रहा है वो सी ड्राइव विंडोज एंड सिस्टम 32 का आ रहा है, जबकि हमारा जो फोल्डर कौन फोल्डर है वो हमारे डेस्कटॉप पे है। तो हम किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पर जो लोकेशन है हमें इसे कॉपी करना है। उसके बाद कंट्रोल सी, कॉपी हो गया हमारा। हमें यहाँ पर टाइप करना है CD, उसके बाद कंट्रोल वी टाइप करना है, उसके बाद इंटर हिट करना है। देखिए अब हम डेस्कटॉप पे पहुंच चुके हैं। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली बनाएंगे तो डेस्कटॉप पे बनेगा, और डिलीट करेंगे तो वो भी डेस्कटॉप से डिलीट होगा। कौन फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम यूज करेंगे rd /s/q/folder name। अगर आपने किसी और अनस्टेबल नेम से फोल्डर क्रिएट किया है तो आप उसका नाम टाइप करोगे, नहीं तो आप कौन टाइप करोगे, और उसके बाद एक स्लैश इंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ से जो हमारा कौन डायरेक्टरी था वो डिलीट हो चुका है। देखिए हमारे डेस्कटॉप पे अभी कोई भी कौन नाम का फोल्डर नहीं है, हमने उसे डिलीट कर दिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कौन फोल्डर को डिलीट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट जरूर करें, आपको रिप्लाई हमेशा मिलेगा।